हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मोड के द्वारा RHEL 7 को इंस्टॉल करना डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, RHEL 7 को इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन यूज करूंगा, जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग RHEL 7 को इंस्टॉल करने के लिए एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए आप न्यू पर क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर वर्चुअल मशीन का नेम प्रोवाइड करो जिसमें आप RHEL 7 इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर RHEL 7 सर्वर के नाम से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ और इस वर्चुअल मशीन के अंदर मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहता हूँ, और वो भी रेडहैट 64-बिट आर्किटेक्चर। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिफाइन करना होता है कि आप इस वर्चुअल मशीन को कितनी रैम प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 GB प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे मशीन के अंदर, यानी कि बेस मशीन के अंदर टोटल 4 GB रैम लगी हुई है। इस 4 GB में से मैं इसको 1 GB प्रोवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब हम लोग यहाँ पर इस वर्चुअल मशीन के लिए वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ पर ही चेक मार्क रहने दीजिए। नेक्स्ट क्रिएट पर क्लिक कीजिए। VDI फॉर्मेट एज इट इज रहने दीजिएगा। नेक्स्ट डायनेमिक अलोकेशन ही रहने दीजिएगा। नेक्स्ट, अब कितने साइज की आप वर्चुअल हार्ड डिस्क इस वर्चुअल मशीन को प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर 500 GB की वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट कर रहा हूँ। जस्ट क्रिएट पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं RHEL 7 सर्वर के नाम से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर हम लोग RHEL 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। स्टार्ट पर क्लिक करते ही ये आपके सामने यहां पर RHEL 7 सर्वर मशीन ओपन हो जाएगी, और यहां से आप RHEL 7 की ISO फाइल का पाथ प्रोवाइड कीजिए, जिसकी हेल्प से आप इस वर्चुअल मशीन के अंदर RHEL 7 इंस्टॉल करेंगे। तो वो मैंने यहां पर रखी हुई है। जस्ट RHEL 7 ISO फाइल का पाथ प्रोवाइड कीजिए, देन ओपन कर दीजिए। देखिए, जस्ट स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। प्रॉपर व्यू में लाने के लिए व्यू स्केल मोड पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप स्केल मोड पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर RHEL 7 की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आपकी वर्चुअल मशीन जो है ये ISO फाइल से बूट करेगी, यहाँ पर आपके सामने एक विजार्ड ओपन होगा, एक स्क्रीन डिस्प्ले होगी, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7.0। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला है इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7.0। सेकंड है टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7.0, देन ट्रबल शूटिंग। ये तीन ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7.0 की इंस्टॉलेशन जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन
क्या करेगा, इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले जिस आईएसओ फाइल के द्वारा आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो, सबसे पहले वो उसे चेक करेगा। काफी बार क्या होता है कि जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो उसमें कुछ फाइलें करप्ट हो जाती है, जिस वजह से आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये फैसिलिटी आपको सबसे पहले ही प्रोवाइड कर देता है सेकंड ऑप्शन के द्वारा, कि सबसे पहले आप इस इंस्टॉलेशन मीडिया को चेक करेंगे, और अगर उसके बाद सभी उस आईएसओ फाइल में अवेलेबल होती है, तो ही वो इंस्टॉलेशन कंटिन्यू करेगा, वरना वो इंस्टॉलेशन कंटिन्यू नहीं करेगा। यानी कि अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट RHEL 7 की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी विदाउट टेस्टिंग। सेकंड ऑप्शन पहले मीडियम को टेस्ट करेगा, देन इंस्टॉलेशन कंटिन्यू करेगा। थर्ड ऑप्शन है ट्रबल शूटिंग। काफी बार क्या होता है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग फाइल वगैरह जो है वो करप्ट हो जाती है, या कुछ सिस्टम फाइल जो है वो करप्ट हो जाती है, जिस वजह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है या बूट नहीं कर पाता है। तो आप ट्रबल शूटिंग ऑप्शन के द्वारा आप उन बूटिंग फाइल को या सिस्टम फाइल्स को रिपेयर कर सकते हो या रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड वाला होता है, कि मीडियम को टेस्ट करेगा, आईएसओ फाइल, पेन ड्राइव या फिर डीवीडी को टेस्ट करेगा, जिसके द्वारा आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो, देन इंस्टॉलेशन कंटिन्यू करेगा। लेकिन अभी मैं यूज करूंगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में मीडियम को टेस्ट करने के लिए ये 5 to 6 मिनट का टाइम लेता है, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं जस्ट फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, इंस्टॉल रेड हैट एंटर लिनक्स 7.0 सिलेक्ट करके आप एंटर की प्रेस कर दीजिए। एंटर की प्रेस करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं RHEL 7 की इंस्टॉलेशन जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है वो कंटिन्यू हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे की साइड में एनाकोंडा आया हुआ है। दोस्तों, एनाकोंडा जो है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलर होता है, जो कि किसी भी मशीन के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करता है। अब देखिए मैसेज आपके सामने है, वेलकम टू रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7.0। व्हाट लैंग्वेज वुड यू लाइक टू यूज ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस? इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान आप कौन सी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंग्लिश है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि इंग्लिश US, बाय डिफॉल्ट यही है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको डिस्प्ले होंगे, इन ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से देखना जरा। सबसे पहले आता है डेट एंड टाइम। दोस्तों, जिस तरह जब हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो उस टाइम पर वहां पर हम लोग GMT 530 न्यू दिल्ली एशिया वगैरह सेलेक्ट करते हैं, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारा टाइम जोन जो आता है वो आता है एशिया कोलकाता में। अब उसे अपने टाइम जोन को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट है रीजन से आप एशिया सेलेक्ट कीजिए, देन सिटी से आप कोलकाता सेलेक्ट कीजिए, ठीक है? या फिर आप पूरे वर्ल्ड का मैप देख रहे हो, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया ये रहा, और ईस्ट में जैसे आप कर्जर पर यहाँ पर क्लिक करते हैं इंडिया के ईस्ट में, सॉरी इंडिया ईस्ट, हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली एशिया कोलकाता आ जाएगा, या फिर जहां पर भी आप क्लिक करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका टाइम जोन सेलेक्ट होता रहता है। तो मैं यहाँ पर अपना एशिया कोलकाता के लिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आपका टाइम जोन सेलेक्ट हो जाएगा। के साथ साथ आप यहाँ पर क्लॉक
क्लॉक डिफाइन कर सकते हो कि आप अपनी RHEL 7 की जो क्लॉक है वो 24 आवर्स के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं या 12 आवर्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ से आप अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं अभी देखूँ तो यहाँ पर अभी 1:25 AM हुआ है अभी। यहाँ पर आप अपना टाइम सेट कीजिएगा 24 या 12 आवर्स के अकॉर्डिंग। के साथ साथ यहाँ से मंथ सेट कर सकते हैं, डे सेट कर सकते हैं, डेट 24th of December 2018, यहाँ से आप अपना डेट टाइम मंथ सेलेक्ट कीजिए, क्लॉक सेट कीजिए, टाइम जोन सेट कीजिए और जस्ट डन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप डन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपकी क्लॉक सेट हो जाएगी। कीबोर्ड इंग्लिश यूएस है, इसको एज इट इज रहने दीजिएगा। लैंग्वेज सपोर्ट इंग्लिश यूएस है, इसको एज इट इज रहने दीजिएगा। इंस्टॉलेशन सोर्स लोकल मीडियम, वो भी एज इट इज रहने दीजिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आता है सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है मिनिमल इंस्टॉल होता है। दोस्तों अगर आप अपनी मशीन के अंदर मिनिमल इंस्टॉल करते हैं तो वो 100% कमांड लाइन ही ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मशीन को यानी कि RHEL 7 को ग्राफिकल भी ऑपरेट कर सके के साथ साथ कमांड के द्वारा भी ऑपरेट कर सके, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और सर्वर विद GUI सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मिनिमल इंस्टॉल होता है। तो उसके लिए आप यहाँ पर सर्वर विद GUI सेलेक्ट कीजिएगा और डन पर क्लिक कीजिए। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अनदर पैकेजेस सेलेक्ट किए जा रहे हैं जो कि इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है उस उनकी। तो आप यहां पर देख सकते हैं सॉफ्टवेयर सिलेक्शन के अंदर सर्वर विद GUI सेलेक्ट हो गया है और जो भी इसे पैकेजेस की रिक्वायरमेंट थी वो इसने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम लोग यहां पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू करेंगे।